नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर घंटा टॉप में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि फॉरेस्ट गार्ड से लेकर वन विभाग में कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, यानी कि वन विभाग में क्या क्या पदोन्नति होती है और कौन कौन सी पोस्ट होगी। फॉरेस्ट गार्ड के बाद आप क्या बनेंगे, बीओ के बाद आप क्या बनेंगे और इसके बाद आप क्या बन सकते हैं, आपकी किस किस पोस्ट में पदोन्नति हो सकती है। दोस्तों, तो भारी डिमांड के बाद आप लोगों ने मुझसे कहा भी था कि सर एक वीडियो बनाइएगा जिसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सारे पद हों और इन पदों को हमको बताइए कि कौन कौन से पद होते हैं। दोस्तों, तो ये वीडियो मैं लेके आया हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा, ए टू जेड मैं पोस्ट बताऊँगा, पूरे फॉरेस्ट गार्ड से लेकर फॉरेस्ट मिनिस्टर तक के बीच में जितने भी पद आते हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। दोस्तों, तो आप इस वीडियो में बने रहिए और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले जो आता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो पद होता है, सबसे छोटा पद वो होता है फॉरेस्ट गार्ड का। अभी उत्तराखंड सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और तमिलनाडु सरकार ने भी फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती निकाली थी और सबसे छोटा जो पद होता है वो होता है फॉरेस्ट गार्ड का। इसका जो मुख्य कार्य होता है ये जंगलों की सुरक्षा करता है। ठीक है दोस्तों, जंगलों की जितनी भी सुरक्षा होता है, आग लगना, पशु अगर आ रहे हैं या फिर जो भी घटनाएं होती हैं जंगलों में, ये उसका मेनली यही काम होता है फॉरेस्ट गार्ड का। उसके बाद आता है दोस्तों फॉरेस्ट रेंजर का। ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड से थोड़ा सा बड़ा ये पद होता है फॉरेस्ट रेंजर का। ठीक है, फॉरेस्ट रेंजर का भी मेनली जो काम होता है वो जो है जंगलों की जो देखरेख होती है, उसका काम भी ये होता है, जंगलों के बारे में बताना लोगों को। ठीक है, ये इसका काम होता है दोस्तों। इसके बाद आता है बीओ, यानी कि डिप्टी रेंजर। ठीक है, इसको ब्लॉक ऑफिसर भी कहा जाता है। बीओ डिप्टी रेंजर, इसको ब्लॉक ऑफिसर भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है आपका एसआई, यानी कि फॉरेस्ट गार्ड एसआई, वन दरोगा। ठीक है, वन दरोगा बीओ से ऊपर होता है और इसका काम जो है अपने जो फॉरेस्ट गार्ड होता है और बीओ होता है, इनको जो है बताना होता है कि आपको क्या क्या काम करना है। दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड वन दरोगा के बाद आता है आरएफओ, इसको आप बोलेंगे रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर। ठीक है, आरएफओ की फुल फॉर्म होगी रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, अगर आप वन विभाग की परीक्षा देते हैं तो परीक्षा में भी आने वाला है, आगे भी आपके काम आएगा। अगर आप भर्ती हो जाते हैं तो उसके बाद भी ये चीज़ें आपकी काफ़ी काम आएंगी कि आपको आगे आप क्या क्या बन सकते हैं। दोस्तों, आरएफओ के बाद आता है एसीएफ, यानी कि असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, ACF असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, इसके बाद आता है DFO, यानी कि डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर। DFO आपने काफ़ी नाम सुना होगा कि DFO ने ये बयान दिया, DFO ने ऐसा कहा। ठीक है, तो जितने भी ये ACF, RFO, BO और फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्ट रेंजर, ये सब इनके नीचे ही आते हैं DFO के। ठीक है, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर काफ़ी बड़ा पद होता है। ठीक है, इसके बाद आता है CF, यानी कि कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट CF। इसके बाद आता है CCF, यानी कि चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है PCCF। ठीक है, यानी कि ये होता है प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, इसके बाद आता है एडिशनल PCCF, एडिशनल PCCF मतलब एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, इसके लिए आप सिंपल से याद रखिए एडिशनल PCCF। इसके बाद दोस्तों पोस्ट आती है HOFF की, यानी कि हेड ऑफ फॉरेस्ट PCCF, हेड ऑफ फॉरेस्ट प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है दोस्तों, यानी कि HOFF। इसके बाद जो पद आता है दोस्तों वो होता है फॉरेस्ट सेक्रेटरी का, यानी कि वन विभाग सचिव। ठीक है, आप ये भी याद कर लीजिएगा कि अभी फिलहाल वन विभाग सचिव कौन है। ठीक है, आप एक कमेंट में भी हमें लिख सकते हैं कि फिलहाल वन विभाग सेक्रेटरी कौन है। ठीक है, इससे आपका जीके और भी मजबूत हो जाएगा और आप जो है कोई भी परीक्षा आप क्रैक कर सकते हैं अगर आपको ये सवाल आपसे पूछा जाता है। दोस्तों, फॉरेस्ट सेक्रेटरी के बाद आता है फॉरेस्ट मिनिस्टर। ठीक है, फॉरेस्ट मिनिस्टर कौन है, फिलहाल आपके प्रदेश में फॉरेस्ट मिनिस्टर कौन है। जैसे अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड में फॉरेस्ट मिनिस्टर कौन है अभी,
हरक सिंह रावत, ठीक है, ये फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं उत्तराखंड के। ऐसे ही आप अपने अपने प्रदेशों के भी फॉरेस्ट मिनिस्टर के नाम कमेंट में लिख सकते हैं दोस्तों। तो ये जितने भी थे, जितने भी पोस्ट होती है वन विभाग में, वो सब मैंने आपको बता दिए दोस्तों। एक बार मैं फिर आपको रिपीट करूँगा, फॉरेस्ट गार्ड, फिर फॉरेस्ट रेंजर, फिर BO, फिर RFO, फिर ACF, DFO, CF, CCF, PCCF, एडिशनल PCCF, HOFF, फॉरेस्ट सेक्रेटरी और फॉरेस्ट इंस्पेक्टर और फॉरेस्ट मिनिस्टर। तो दोस्तों ये वीडियो आपने मुझसे कहा था कि सर ऐसा वीडियो बनाइए, इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए इस वीडियो को दोस्तों। अगली बार किस कौन सा वीडियो लाऊं मैं, ये जरूर आप कमेंट में बताइए, और कौन सी रैंक आपको वीडियो पसंद है वो मैं आपको लाऊँगा दोस्तों। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप देखते रहिए घंटा टॉप। नमस्कार।